हाय एवरीवन, मैं हूं चे और आज मैं देखने जाने वाला हूं आईफिल टावर को। अब मैं आ चुका हूं मेट्रो स्टेशन पे और इस ट्रेन में बैठ के मैं जाने वाला हूं आईफिल टावर के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर। अब मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुका हूं और अब यहां से हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी वॉक। थोड़ा सा वॉक करने के बाद हमें फाइनली देखने लगा है आईफिल टावर। अब मैं लग चुका हूँ आईफिल टावर की एंट्री वाली लाइन में, जहां पर हमारा हुआ है सिक्योरिटी चेक इन और उसके बाद में उन्होंने हमें अंदर अलाउ करा। आईफिल टावर के अंदर 3 फ्लोर्स हैं और यह 330 मीटर ऊंचा है। आईफिल टावर को 1890 में बनाया गया था और यह 1890 से लेकर 1930 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 1991 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। तो आईफिल टावर के दो तरीके के टिकट हैं, एक है सीढ़ियों से जाने का और दूसरा है लिफ्ट से जाने का। लिफ्ट वाला जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू सीढ़ियों वाले की। मैंने अपने लिए लिफ्ट वाला टिकट लिया था जिससे मैं लाइन में लग चुका हूं और एंट्री होने के बाद हम सीधे जाने वाले हैं 2nd फ्लोर पर। और अब हम पहुंच चुके हैं 2nd फ्लोर पर और यहां पर हम लिफ्ट से बाहर निकल रहे हैं। और यहां 2nd फ्लोर से मैंने देखा चैम डी मार्स पार्क और सिटी का व्यू। तो थोड़ी देर 2nd फ्लोर पे घूमने के बाद अब मैं दोबारा लग चुका हूँ लिफ्ट की लाइन में जिससे हम जाने वाले हैं टॉप फ्लोर पर। तो अब मैं आ चुका हूँ टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर का व्यू जो है वो 2nd फ्लोर के व्यू से काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर कवरेज भी काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्राउड भी काफी ज्यादा है। A few moments later. तो अब टाइम हो चुका था वापस जाने का, तो मैंने ली लिफ्ट जिससे मैं जाने वाला हूँ पहले 2nd फ्लोर और उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर। तो अब मैं आ चुका हूँ आईफिल टावर के नीचे जहां से मैं जाने वाला हूँ इसके सामने वाले पार्क में। अगर आप आईफिल टावर देखने आए हो और आपने यहाँ का लाइटनिंग शो नहीं देखा तो क्या ही देखा। यहाँ पर रात के 11 बजे होता है लाइटनिंग शो। क्योंकि अभी 11 बजने में टाइम था तो हमने पार्क में लिए कुछ फोटोज आईफिल टावर के साथ और यहाँ पे किया रेस्ट। A few moments later. और ठीक 11 बजते ही लाइटिंग शो शुरू हो गया जो कि बहुत ही ऑसम था। तो दिन में आईफिल टावर देखने के बाद और नाइट में लाइट शो देखने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपनी एयरबीएनबी। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।